श्रीनगर के लाल चौक में सुरक्षा कड़ी। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले सुरक्षा बलों ने कसी कमर। गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्तावित दौरा स्थगित, अब 4 और 5 अक्टूबर को आएंगे। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले आज एक बार फिर डेली वेजर्स का प्रदर्शन। राष्ट्र बजरंग दल ने किया समर्थन, लगाए नारे चलो 1 अक्टूबर को राजौरी। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जम्मू की तरफ से आयोजित किया गया जम्मू के बस स्टैंड में मेडिकल कैंप। इस मौके पर आरटीओ जम्मू ने कहा कि सुरक्षा के साथ साथ सेहत भी जरूरी। ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज एसोसिएशन का आज एक बार फिर जम्मू के अंबेडकर चौक में धरना प्रदर्शन, पिछले 119 दिनों से है प्रदर्शन पर। सुनील डिंपल ने आज व्यापारियों के साथ जानीपुर हाईकोर्ट रोड पर किया जोरदार प्रदर्शन और गृह मंत्री अमित शाह से दरबार मूव को शुरू करने की मांग। इस साल यात्री रिकॉर्ड तोड़ सकती है श्री माता वैष्णो देवी यात्रा, अब तक 62 लाख ने टेका माथा। माँ वैष्णो देवी माता के दरबार में पहले नवरात्र को 40,000 भक्तों ने टेका माथा, भवन में गूंजते नजर आए जयकारे। जेकेपीसीसीए ने प्रधान कार्यालय श्रीनगर में कार्यकर्ता सम्मेलन को किया आयोजित, कहा जमीनी सतह पर कांग्रेस की जड़ें मजबूत। भारतीय सेना ने रामबन के महू गांव में आवाम के लिए तैयार किया पुल, पिछले कई सालों से थी आवाम की आवाज। ले मनाली मार्ग बर्फबारी से बंद, अगले 12 घंटे तक कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना। अमित शाह की रैली के जवाब में महबूबा मुफ्ती करेंगी जम्मू में रैली, 9 अक्टूबर को प्रस्तावित जनसभा। भाजपा प्रदेश प्रधान रविंदर रैना बोले जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। पर्यटन विभाग श्रीनगर की तरफ से विश्व पर्यटन दिवस के आज आयोजन, इस अवसर पर मुख्य अतिथि सचिव पर्यटन सरमद हफीज ने पर्यटन और पर्यटकों के प्रति लोगों के सहयोग की प्रशंसा। जम्मू कश्मीर सरकार ने कोर्ट का आदेश का किया उल्लंघन, अब पड़ा भारी, फॉरेस्ट के 250 पदों की भर्ती पर कैट की रोक। देश में कोरोना के मामलों में राहत, 24 घंटों में आए 3,230 नए केस, 32 लोगों की मौत। पीएम मोदी जापान पहुंचे, दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में हुए शामिल। टेरर फंडिंग पर शिकंजे को लेकर पीएफआई और एसटीपीआई के 150 से अधिक सदस्य हिरासत में, दिल्ली यूपी समेत 8 राज्यों में छापेमारी। सरकार ने 10 यूट्यूब चैनल्स के 45 वीडियोस ब्लॉक किए, फेक न्यूज के जरिए फैला रहे थे धार्मिक हिंसा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की सुनवाई का आज से हुआ सीधा प्रसारण लाइव, लंबे समय से हो रही थी मांग। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में नया ट्विस्ट, पवन बंसल ने लिया नामांकन पत्र, सोनिया से मिलने पहुंचे मिस्त्री। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्सपो 2022 की तैयारियों की समीक्षा, बैठक में एमओएस अजय भट्ट, रक्षा सचिव अजय कुमार और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नजर आए।